जी तो दोस्तों, अपडेट ये है, ये ब्लोअर का पाइप हमने लगा दिया नीचे निकासी के लिए 4.5 इंच का। इधर फिटिशन भी भर रहा है जो पीटर इंजन के लिए होगा। इसमें हमने किया क्या है, ये चेक कर लें, इसको अंदर से गोल कर दिया है। सामने से जो हमारा ब्लोअर है वो 5 इंच पीछे होगा, नीचे से वो होगा 18 इंच और बैक से होगा 21 इंच। इसमें ये जो गैप आपको नज़र आ रहा है, ये वाला जो हमने गंद वगैरह निकालने के रखा, इधर हमने एक पीस बना कर रख देना कंक्रीट का, बिल्कुल इधर गुलाई हो जाएगी, बिल्कुल सेम हो जाएगी। जब भी ज़रूरत पड़ेगी उसको हम पीछे से खींच लिया करेंगे। तो अब ब्लोअर हमारी इधर लाने की तैयारी है, वो ज़रा हिम्मत जुटा रहे हैं दोस्त, वो ब्लोअर लाते हैं तो आपको बाकी डिटेल शेयर करते हैं। जी तो दोस्तों, सीन ये है कि ब्लोअर की साइडें मुकम्मल हो गई हैं, स्लैबें साइड वाली रख दी हैं। अब सामने वाली स्लैब एक रख दी है, दूसरी रखने वाले हैं। तो ये देख लें जी आगे से इसको कैसे बनाया है, ये चेक कर लें। आगे से बिल्कुल इसको हम ब्लोअर के साथ ले आए हैं। इधर हम एक ना मार्बल का पीस भी रखेंगे, वो भी आपको दिखलाएँगे। तो ये 7 इंच टॉप होगी जी ब्लोअर की, ऊपर ये जो स्लैब है ना इसके ऊपर हमने एक टाइल लगानी है, वो टाइल लगा देंगे, ऊपर ग्राउंड कर देंगे। उसके बाद उस फर्श से जो है ना ये 7 इंच ऊपर होगी। ये देख लें, काफ़ी मेहनत का काम है, ये बहुत भारी स्लैब है। ख्याल ना भी ख्याल ना, सट ना लवा लियो, बस ठीक है। जी तो दोस्तों, ऐसे है जी कि पंखे के ऊपर से ना, ब्लोअर के ऊपर से हमने इधर रखी है 24 इंच, और ये तकरीबन 6.5 इंच जो है ना ये हमने आगे टाइल लगा दी, 6.5 इंच ये स्लैब नीचे है ब्लोअर की टॉप से। इधर से होगी ये 30 इंच, ये नाली है, इधर भी हम ऊपर लेंटर डालेंगे, क्योंकि ना इधर से ऊपर से ना जब हवा वगैरह जाती है, नमी जाती है, तो क्योंकि चिमनी गारे की बनी होती है तो ऊपर से ईंटें नीचे गिरना शुरू हो जाती हैं। तो ये ऊपर वाला सीन है जी, ये चेक कर लें, इसको बिल्कुल हमने ना बिल्कुल साथ लगा दिया है, तकरीबन 0.5 इंच का फ़र्क है। तो ये ऊपर की सूरत हाल है जी।